अपने जो हमारे गार्डन से पत्ते घास निकलती है लॉन से, मैं आज आपको उसकी खाद बनाना सिखाता हूँ कि आज कैसे आप अपने ये खाद ठंडी भी होती है, हम अपने किसी भी प्लांट को किसी भी मौसम में दे सकते हैं, तो इससे हमारा और जो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि ये आपकी प्लांट की ग्रोथ की एकदम से बढ़ा देंगे। तो हमें इसके लिए पहले तो अपने गार्डन से निकली हुई जो घास वगैरह है वो सब मैंने इकट्ठी कर ली है, आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। ये बाल्टी में हमने सारा इकट्ठा कर रखा है जो हमारी हरी है, ठीक है। उसके बाद हमें कार्बन कंटेंट है जो मैंने, आप लकड़ी का बुरादा भी हो सकता है पर हमें उसे आप कम यूज़ करना जब आप बनाएंगे, ठीक है। और हमें जो हमारी पेटी वगैरह होती है वो कार्बन वगैरह हम उसे डालेंगे। हमें इसके लिए मोस्टली तीन चीज़ें चाहिए। हम क्या करेंगे, नीचे एक लेयर बना देंगे इसकी गत्तों की, ठीक है, आपके जो कागज़ वगैरह है, इससे क्या है जो भी हमारा लिक्विड निकलेगा या तो वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपने जो हमारे पत्ते वगैरह निकले हुए हैं कुछ सूखे कुछ गीले उन्हें लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं ये इस बाल्टी में भी डीकम्पोज होने लगे हैं। उसके बाद हम थोड़ा इसे फैला के, ठीक है, उसमें और कार्बन वगैरह ऐड करेंगे और इसे दबा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें अपना वेस्ट जो हमारे गार्डन से निकला है ये गर्म होती है, देखिए अब इसमें अभी मॉइस्चर नीचे ये डिकम्पोज होने लग गई है। और मैं पेटी भी डाल सकता हूँ, और मैंने हमारे घर पे जब लकड़ी का काम चल रहा था तो मैंने ये वुड डस्ट कलेक्ट कर ली थी, ठीक है, आप इसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से खाद बनाने में मदद करती है। मैंने ये पेटी जानबूझ के ली है, इसमें देखिए आप साइडों में छेद है, ठीक है, और मैं इसी में खाद बनाता रहता हूँ। तो ये जो हमारी पेटी है इसमें साइड में हवा आने जाने का उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो अपना पानी छिड़क देंगे जिससे इसमें एक्टिविटी शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे हमारी गार्डन से वेस्ट निकलता रहेगा हम उस तरीके से इसे भरते चल जाएंगे। हमें अपने जो ग्रीन पत्ते हैं उन्हें भी हम तोड़ के या डायरेक्टली भी ऐसे डाल सकते हैं। हमें इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो हमारे कीड़े लगे हुए पत्ते हों या एफिड्स वगैरह मिली बग वो हमें यूज़ नहीं करना, वरना हमारी जो खाद बनेगी उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। इसे जल्दी डिकम्पोज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें या तो ये मट्ठा जो हम कहते हैं मट्ठा डाल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, या दूसरा ऑप्शन है हमारे पे गुड़ का पानी, और तीसरा ऑप्शन है वो है आपका डिकम्पोजर का लिक्विड, ठीक है। मेरे पे तीनों चीज़ें हैं फिलहाल, तो जो आपको घर पे जल्दी मिल सकती है वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए ये मट्ठा है, हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क देंगे, ठीक है। और मैं तो साथ तीनों चीज़ें डाल देता हूँ जिससे मेरी खाद जल्दी बन जाए। और हमें इसमें ज़्यादा इसे गीला नहीं करना है, हमें बस इसे थोड़ा सौगी करके रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें डाल देंगे और ऊपर भी, जिससे आपकी इसमें मक्खी वगैरह ये सब ना आए गर्मी में, हम इसे ढक के रख देंगे। और नीचे जिससे ये जो हमारा इसमें से नीचे डिकम्पोज होगा जो पानी निकलेगा, हम इसके नीचे एक और पेटी रख सकते हैं जिससे जो हमारे नीचे जो लिक्विड तैयार होगा वो हम अपने गार्डन पर स्प्रे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या प्लांट को लिक्विड खाद देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके गमले में जगह ना हो इस तरीके से। और आखिर में मैं क्या करूँगा, इसे ढक दूंगा सारे को जो इस तरीके से, और इसे अपने गार्डन के एक कोने में रख दूंगा जिससे जो लिक्विड होगा वो मेरे गार्डन में ही रहेगा, ठीक है। और आप इसे किसी जगह के पीछे भी रख सकते हैं जिससे आपकी पेटी वगैरह ना दिखे, और ये बहुत अच्छी खाद का काम करता है। दूसरा ऑप्शन आप पे क्या है कि आपकी जो पत्ते वगैरह जो आप निकलते हैं वो आप उन्हें डायरेक्टली कैरी में डाल सकते हैं और उसकी गुड़ाई कर सकते हैं, उससे क्या है वो उसमें मिल जाएंगे। आप इस तरीके से आप अपने पौधों को उगाने के लिए खाद बनाइए घर पे ही, ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक बनाइए, और ये पत्ते सब आपके गार्डन से आपको फ्री में मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।